मुंबई के कांदिवली स्थित चारकोप में श्री साई सेवा संघ ने 5 साल पूरे होने पर साई भंडारे का आयोजन किया, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। इसके अलावा इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। तो वहीं साई बाबा का आशीर्वाद लेने यहां बॉलीवुड और टेलीविज़न के कलाकार भी पहुंचे और सभी ने इस मंडल की तारीफ की। मंडल की तरफ से सबका सम्मान भी किया गया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने इस मंडल के बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से साई भंडारा हर साल यहाँ पे होता है और हजारों संख्या में जो है परिवार के लोग आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। मैंने एक ही पैगाम यहाँ से दिया कि मुझे लगता है कि साई बाबा को शायद मालूम था कि हिंदुस्तान के कुछ 100 साल बाद जो है यहाँ पे ऐसे लोग आएंगे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे और आपस में बांटने का काम करेंगे। इसलिए साई बाबा ने उस टाइम पे सबको एक ही संदेश दिया था कि इंसानियत ही जो है वो सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत पे ही चलना चाहिए। एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे खड़े रह सकते हैं, उसी को ज़िंदगी कहते हैं और उसी को ज़िंदगी रहना वो सिखाया था। तो मेरे ख्याल से मैं आज सभी लोगों ने उनकी जो ज्ञान दिया है उसको अगर उसको फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से देश के ऊपर जो संकट है बहुत बड़ा जातिवाद का, ये खत्म हो जाएगा। कार्यक्रम के बारे में तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कार्यक्रम कैसे चल रहा है। और रही बात अभी जो आयोजक है अपने शनिवार राठौड़, इनका तो बहुत अच्छा है, अच्छे हिसाब से उन्होंने पूरा कार्यक्रम का आयोजक बन के एकदम अच्छा काम किया है। आने वाले वक्त में भी यहाँ पे सबको बुलाया जा रहा है, सब पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, सब अच्छा ही काम हो रहा है। क्या संदेश देना चाहोगे, साई भक्त आए हैं आपकी पार्टी की तरफ से, क्या संदेश देना चाहोगे साई भक्त? हमारी पार्टी की तरफ से तो ये है कि बस साई बाबा का आशीर्वाद रहे और हमारे राणे साहब आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आज भी हमारे नीतीश राणे साहब ने कुछ BST कामगार लोगों के लिए काम किया है और बहुत अच्छा आश्वासन दिया उन लोगों कि आगे BST के लिए काम अच्छे से करेंगे। आज मुंबई का परेशान है ट्रैफिक को लेकर, क्या कहना चाहोगे? ट्रैफिक तो सर अभी मेट्रो आ गई, उसकी सबसे ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है और कुछ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। एंड मैं खुद साई भक्त, मेरे जो पिताजी हैं याद है बचपन में हम लोग हर साल कम से कम 2-3 बार शिरडी जाते थे, तो मैं शनि को जानता हूँ और इसने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया। हर साल मतलब पिछले 5 सालों से लोग कर रहे हैं, तो साल इसने मुझे इन्वाइट किया और उसने कहा कि आप दर्शन के लिए आइए और प्लीज देखिए कि हम कितने अच्छे से ये जो साई भंडारा है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं यहाँ देखने भी आया और वाकई में बहुत अच्छे से इन लोगों ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है, इतने सारे लोग आते हैं और एक तरीके से जैसे गणेश उत्सव में कैसे सब इकट्ठे आते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि साई ऐसे है कि वो कितना सबका मालिक, एक सबको साथ रखते हैं, तो उन्हीं के थ्रू सबको खुशियाँ मिले और ढेर सारा प्यार। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके इतने सारे लोगों को देख के, गाना सुन के, खाना खा के और क्या दर्शन करके दर्शन करके। हाँ ऑफ कोर्स सब लोग साईं बाबा के भक्त हैं। जब आपको ये इन्विटेशन मिला तब आपका क्या रिएक्शन था, क्या माइंड में था आपके? जी क्या मिला जब इन्विटेशन मिला? जब मुझे इनवाइट किया गया था तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि साईं बाबा जी का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, वो भी मेरे गाने के एक दिन पहले मेरा गाना रिलीज हो रहा है, तो आज उनकी उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। कड़ी उसकी गाने की सुना देंगे आप? जरूर। अरे साई भक्तों से हार्दिक स्वागत, श्री साई सेवा संघ सेवा साई भक्तों से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। वर्षिप 5वें वर्षिप 5वें आणि नवीन वर्ष सगळ्यांना साई भक्तांना सगळ्या शुभेच्छा आहेत आणि सगळ्यांना साई भक्तांचं भरपूर आल्याबद्दल आम्ही सगळ्यांचे आभारी आहोत आणि असेच आम्हाला पुढच्या वर्षभर तुमचे साथ लागेल ही तर आम्ही साईंची प्रार्थना करतो। धन्यवाद। पुढच्या 6 वर्षी तर आम्ही साई भक्तांसाठी काय काय लोकांना अफोर्डेबल आहोत, त्यांच्यासाठी ॲम्ब्युलन्स वगैरे सेवा चालू करणार आहे, आणखीन खूप साऱ्या योजनावर चालू आहेत, गरीब लोकांसाठी वाटप वगैरे खूप सारे सेवा चालू करणार आहोत, त्याच्यासाठी साई भक्तांनी आम्हाला आशीर्वाद द्यावा ही आम्ही साईंची प्रार्थना करतो।